पत्थरबाजी। भारत विरोधी नारे, पाकिस्तान का दुष्प्रचार, आईएसएस के समर्थन वाले नारे, ये सब भूल जाइए। जम्मू कश्मीर अब नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले देश का मस्तक जम्मू कश्मीर नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। आज जी न्यूज पर नए कश्मीर की असली आजादी देखने का वक्त है। पाकिस्तान की सीमा से लगे कश्मीर के आखिरी गांव तक लोगों की भावना समझने का वक्त है। कश्मीर की बेटियों का हौसला देखने का वक्त है। जी न्यूज पर अखंड भारत के अखंड हिस्से नए कश्मीर से मिलने का वक्त है। नमस्कार, मैं हूं पूजा मक्कड़। जम्मू कश्मीर में विकास की सबसे बड़ी बेड़ी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, कितने बदले हैं, इस बदलाव को समझने के लिए मैं कश्मीर में ही मौजूद हूं और इस बदलाव को समझ भी रही हूं। और जो अब तक समझ में आया है उसके मुताबिक मसला ये है कि एक साल पहले जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उस वक्त जो नई सुबह हुई थी ना, एक साल बाद उस सुबह में और ज़्यादा ताजगी है, क्योंकि अब कश्मीर बेहतरी के लिए बदल रहा है। ये कहानी है कश्मीर के लोगों के बदलाव की, विकास की चाहत की, और इस बदलाव को हमने कैसे महसूस किया, ये आज हम आपको एक साल के पूरे सफ़र की कहानी बताएंगे। ये जो कश्मीर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद अब जाने को है, क्योंकि ये कहानी है नए कश्मीर की। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर नए सिरे से आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। जी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के नव निर्माण के संकल्प में उनके साथ है। आज आपको श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर तंगधार की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे कर्णा वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की तस्वीर बता रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी की दुनिया से आगे निकल चुका है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन, क्रशर, ये कोई महानगर नहीं, कश्मीर घाटी का वो इलाका है जहां तक इन मशीनों को पहुंचाने में ही एक साल लग गया। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तनाव वाले इस साल में भी चुनौती भरा ये काम चलता रहा और नतीजा आपके सामने है। मशीनें दिल्ली से लाई गई। सरकार का मकसद है कि कश्मीर के छोटे से छोटे गांव को श्रीनगर से पक्के रोड नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया जाए। इस वक्त हम श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन सड़कें ऐसी हैं कि हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देश की आखिरी सड़क पक्की कर दी गई है। इसके आगे भारत की सरहद खत्म हो रही है। अमन के रास्ते पर चलना कभी मुश्किल नहीं होता, इसकी तस्दीक करती है ये सड़क। जहां मैं खड़ी हूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके आगे भारत का हिस्सा खत्म होता है और दूसरी तरफ आपको जो इलाका नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। यानी आवाज लगाएं तो यहाँ से बात की जा सकती है, लेकिन बात करने के हालात हो तो बात जरूर की जाएगी। यहाँ तक सड़क बन चुकी है, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं हम यहाँ तक मोटरेबल तरीके से आए हैं। और ये सड़क हाल ही में बनी है, ये सड़क की तस्वीर खुद बता रही है। हमारे साथ यहीं के रहने वाले एजाज साहब हैं, जो स्कूल टीचर हैं। विकास की बात हो, अमन की बात हो, तो स्कूल से जुड़े हुए लोग, क्योंकि आप युवा लोगों के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं एजाज साहब, तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, यहाँ तक कोई भी डेवलपमेंट पहुँचाना, कहना बड़ा आसान है विकास शब्द, यहाँ तक पहुँचाना आसान नहीं रहा होगा। मैम, मैं चूँकि जैसे आपने कहा कि मैं जीरो लाइन पर खड़ा हूँ, तो यहाँ तक आना ही बड़ी बात है। डेवलपमेंट तो दूर की चीज़ है जी। तो पहले आपने रास्ते में देखा होगा कि हम बड़े दूर दराज के लोग हैं, हमारी रोड की हालत बड़ी ख़राब थी, है ना, तो काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी गाड़ियों की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे पेशेंट यहाँ से लेते हुए SDH टंगडार तक
कपवाड़ा तक उनकी हालत खराब, रस्ते ही में मर जाते थे। सरकार ने बड़ी हमारी हेल्प की, हम शुक्रगुजार हैं सरकार के। आपने रोड देखी, हमारी रोड बन रही है, हाल ही में बनी है, बिल्कुल ये इसका काम चल रहा है अभी। ऐसे आपको तस्वीर अगर नजर आएगी तो लगेगा किसी बियाबान इलाके में हम खड़े हैं, लेकिन ये जगह सिमारी कहलाती है। कुछ हिस्सा सिमारी का पाकिस्तान में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शान से कहते हैं कि सिमारी से कन्याकुमारी तक भारत हमारा है। इस इलाके में 40% काम अखरोट का होता है। व्यापारियों को इस बात से मतलब है कि कारोबार अच्छा चले। सड़कें बनने के बाद ये मुराद पूरी होती नजर आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं हम, तो उस हिसाब से सरकार के डेवलपमेंट, जैसे हमारी रोड थी पहले, तो पहले मैं एक्चुअल वालनट का काम करता हूँ, अखरोट का। अच्छा। तो हमें यहाँ तक, ये जो पांडू ब्रिज है, यहाँ तक हमें घोड़ों में लोड करके लाने पड़ते थे या कंधे पे। आज रोड जो है सरकार ने वहाँ पहुँचा दी है, ब्लैक टॉप रोड, और इसीलिए अब गाड़ियां भी आराम से चल, गाड़ियां भी आराम से चल पा रही है। रोड के काम से जुड़े हुए हैं, कितना कारोबार हो पा रहा है अभी जो हालात हैं उसमें? हालात में अभी तो जैसे थोड़ा सा ये हो गया था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था जी। तो अभी इनके सीजन का है थोड़ा सा टाइम, दवाई वगैरह की थोड़ी सी आई थी दिक्कत, लेकिन तो भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ वगैरह जो है वो मिल गई, स्प्रे जो कीड़ा वगैरह इनको लगता है, तो होने के बाद अभी हमें पूरा यकीन है कि इनका जो सीज़न आ रहा है, इनका रेट्स वगैरह जो होगा अच्छा होगा, और गाड़ियां वगैरह जो हैं हर जगह पे पहुंच रही हैं। तो जी, तो दिल्ली तक जाता है आपका अखरोट? जी बिल्कुल जाता है, दिल्ली तक जाता है। हर कोई यहां तरक्की की बात कर रहा है, ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठा कि फिर कौन कहता है कि कश्मीर जल रहा है, नाराज है? ये सवाल भी हमने इन्हीं लोगों से पूछ लिया। इस छोटे से गांव में 75 सालों से रह रहे इन बुजुर्ग की बात सुनिए, आपको कश्मीर की असल आवाज सुनाई दे जाएगी। अभी जहां हम खड़े हैं, इस जगह के बारे में थोड़ा बताएं कि हम कहां खड़े हैं, कौन से गांव में हम खड़े हैं और पीछे कौन सा गांव? हम यहां पांडू ब्रिज है जी, ये पांडू जी, हाँ स्टील गाइडर ब्रिज है यहाँ पर, उस पर हम खड़े हैं। इसकी उस साइड में लेफ्ट साइड में ये वाला जी, हम पंचतारा गाँव आता है जी, तो जहाँ पर खड़े हैं इस बाड़ी पत्ती आती है, यही चनीपुरा गांव के साथ है जी। तो आमतौर पर जो लोग दिल्ली में बैठे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यहाँ तक तो सड़कें नहीं पहुँची, गांव तक कोई जरिया नहीं पहुँचा लोगों के रोजगार का। आप कितने वक्त से यहाँ रह रहे हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना अनुभव? सर मैं आपसे गुजारिश करूँ, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 75 साल है जी। 75 साल? 75 साल है। मैं 40 साल से ठेकेदारी भी करता हूँ। तो अर्ज यह है कि इधर इन सालों में गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम शुरू किया है डेवलपमेंट का जी। सड़कें बन रही हैं, CRF की सड़कें बड़ी शोरों से बन रही हैं, उसके अलावा PMGY की सड़कें बन रही हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट साइड से भी काम यहाँ बहुत हो रहा है। अभी हम जहाँ पीछे से आ रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा बहुत काम चलता हुआ नजर आएगा, हमने उसकी तस्वीरें भी कैद की। ये सड़क भी हाल ही के दिनों में बननी शुरू हुई है? इन्हीं दिनों में जनाब बनी। हाँ, ये 2 साल से इसका काम बड़ी शोरों से जारी है। सड़कें करना में बंद रही हैं, हर जगह गाँव में सड़क जा रही है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। कश्मीर की हर तस्वीर जन्नत और हर आवाज मीठी है। ये कश्मीर से हमारी एक सप्ताह की विकासशील रिपोर्टिंग का निचोड़ है। हाँ, 370 खत्म होने के बाद जल्दी सब कुछ सामान्य होने की बेताबी जरूर है। सड़कें जैसे जैसे जुड़ती चली जा रही हैं, दिल्ली पास आती जा रही है, देश की जन्नत देश के दिल के करीब होती जा रही है। केसर, बादाम, अखरोट और सेब के शाही कारोबार वाले कश्मीर की नई इबारत में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती होगी, ये तय हो चुका है। कहते हैं कि खूबसूरती इंसान में नहीं, उसकी नजरों में होती है। ढूंढने निकलो तो हर चेहरा, हर रंग और उसकी हर रंगत खूबसूरत ही नजर आती है। जी न्यूज की टीम भी निकली थी कश्मीर की नई रंगत तलाशने। हम बांदीपुरा पहुंचे तो वहां मिले मुंतजर से। जिस कश्मीर को दुनिया जन्नत कहती है, उसकी खूबसूरती को बयान करना हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास आंखें हों, एहसास अच्छा होना चाहिए। आज हम ऐसी ही एक कहानी आपको बांदीपुरा के इस छोटी सी जगह से दिखा रहे हैं। हमारे साथ मुंतजर निसार हैं। मुंतजर निसार जन्म से विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन ये जो तकलीफ है, ये जो मुश्किल है, कभी इनके लिए मुश्किल नहीं रही, क्योंकि ये हारमोनियम बजा लेते हैं और कीबोर्ड बजा लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत गा भी लेते हैं।
ये नए कश्मीर की नई पीढ़ी है जो सपने देखती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने नाम की गूंज पूरी दुनिया में सुनना चाहती है। मुंतजर निसार आपने गाया है और हम चाहते हैं कि अब बात निकले और दूर तलक जाए। मुंतजर भले ही देख ना पाते हूँ लेकिन उनकी उंगलियां जब किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर थिरकती हैं तो सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कश्मीर के लोगों का टैलेंट अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। गजल गायकी का टैलेंट ही नहीं, यहाँ और भी कुछ है। कश्मीर के बारामूला में हम मिले अरशद मलिक से। कर तू चली गई कारों का वो प्यारा। उनके दोस्त उन्हें स्टार रैपर बुलाते हैं सुपरस्टार। और उनका कहना हमें तब जायज लगा जब हमने उनका रैप सुना। तेरी गेम फ्लॉप करूं, इंडस्ट्री का बाप बनूं, सर पे अपने ताज रख के रैप गेम पे राज करूं, रैप का मैं शोर करूं, सबके कान फाड़ दूं। होटल में साफ सफाई का काम करने वाले अरशद के हुनर के आड़े उनका काम नहीं आया। क्यों हाथों में जंजीरें पाई खुद से। ईश्वर ने अरशद को कलम की ताकत दी है जिससे वो कमाल करते हैं। रात के चांद से बात करता हूँ मैं, तेरी आंखें जुदा खुद से कहता हूँ मैं, वो चली गई क्यों चली गई। R&B अरशद मलिक हमारे साथ हैं और आपके लिए आज ये जानना भी जरूरी है कि अरशद मलिक को हम कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं। जगह का नाम आपको ठीक अरशद के पीछे नजर आ रहा होगा। ये कोई दिल्ली का स्टार नहीं, मुंबई का स्ट्रगलर नहीं, ये कश्मीर का लड़का है और अपनी कहानी खुद लिख रहा है। प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, सॉन्ग राइटिंग कर रहा हूँ। पिछले लगभग 6 साल से मैं बस राइटिंग करते आया हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग पड़े हुए हैं। आज तक मैंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं मगर अफसोस इस चीज़ का है कि मुझे आज तक बैकअप नहीं मिला कश्मीर में। कश्मीर में हमें सिर्फ सिंगिंग टैलेंट मिला हो ऐसा नहीं है, हमें बांदीपुरा में मिली सबा फरहत। सबा फरहत 11वीं की छात्रा है। दिखने में नाजुक भले ही लगती हूँ लेकिन अपने जोरदार मुक्कों और फुर्तीली किक से वो किसी को भी ढेर कर सकती है। सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है स्पोर्टिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान, कोई एक जो आपको एकदम याद आता हो कि ये था? जी, जब मैं अभी मैं जूनियर हूँ और मैंने सीनियर पंचकुला नेशनल्स खेला जो कि चेन्नई में हुआ था, तो वहाँ पर मेरा मेडल आया, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बांदीपुरा का नाम सुनते ही क्या आता है आपके जहन में? उत्तरी कश्मीर का ये वो जिला है जो आए दिन आतंक की मार झेलता है। ये इलाका घुसपैठ और आतंकवादियों की पनाह के लिए सही जगह माना जाता है। कुछ दिनों पहले ही BJP नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की सरेआम हत्या के बाद से आम लोगों में ही नहीं नेताओं में भी दहशत का माहौल है। क्या आप जानते हैं इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं? जहां मैं खड़ी हूं ये शहर बांदीपुरा कहलाता है और ठीक मेरे पीछे BJP नेता वसीम बारी का कुछ वक्त पहले यहीं पर उनके भाई और पिता समेत मर्डर कर दिया गया था। वो जांच अभी तक चल रही है लेकिन अगर बांदीपुरा के रहने वालों की बात करें तो संगीनों के साए में, डर के साए में भी यहाँ नई कहानियाँ और पॉजिटिव कहानियाँ लिखी जा रही हैं, नए कश्मीर की इबारत लिखी जा रही है। आज हम आपको यहाँ से ठीक 300 मीटर दूर एक स्टेडियम में लेकर चलेंगे और ये दिखाएंगे कि उस स्टेडियम के बच्चे तमाम मुश्किलों के बावजूद कैसे अपनी ट्रेनिंग्स जारी रखे हुए हैं और कैसे मेडल्स जीतने की काबिलियत भी आजमा रहे हैं, मेडल्स जीत कर ला रहे हैं। इसी शहर से जहां से आपने मुश्किलों की और दर्द भरी कहानियां सुनी होंगी, आज हम आपको विकास की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको भी बहुत खुशी होगी। बांदीपुरा में मार्शल आर्ट एकेडमी में जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं वो मार्शल आर्ट में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो सफलता की नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। इसकी तरह मैं बहुत मेरे को पसंद था खेलना,
और फिर मैं इसी के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट्स खेले मैंने, वैसे ही आगे आगे बढ़ता गया, स्टेट्स खेले, फिर ऐसे ही आज मैं बहुत ही खुशी से मैं कह रहा हूँ कि नेशनल गोल्ड मेडल्स आई मीन दिल्ली में हुआ था, तालकटोरा स्टेडियम में, वहाँ गोल्ड निकाला था मैंने। कश्मीर के हालात नॉर्मली आपको पता है यहाँ पर कैसे होते हैं, यहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रगल है बच्चों को, तो उस स्ट्रगल के लिए हमें फैसिलिटी के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से और एक एनवायरनमेंट है उस चीज़ को एक साथ लेके चलना और कम्पीट करना है बाकी स्टेट्स के साथ, ये बड़ा एक चैलेंज है। बांदीपुरा के इन खिलाड़ियों में वही जज्बा दिखा जो अन्य भारतीय खिलाड़ियों में दिखता है, ये भी अपने देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, अपना अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये आर्टिकल 370 प्रधानमंत्री ने लाल किले से जम्मू कश्मीर के लिए जो वादा किया था उसे अब सही मायनों में पूरा करने की कोशिश हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले हैं। पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आम कश्मीरियों की सोच से लेकर भविष्य को देखने तक का उनका नजरिया भी बदला है। अभी तो केवल एक साल हुआ है अनुच्छेद 370 की बेड़ियां कटे हुए और जम्मू कश्मीर में विकास के निशान जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। हमें यकीन है कि जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर ने बदलाव की राह पकड़ी है, दुनिया की ये जन्नत अपने पुराने रुतबे को हासिल ही नहीं करेगी, बदलाव की एक नई मिसाल कायम करेगी। और जी न्यूज़ का वादा है आपसे कि बदलाव की एक एक खूबसूरत कहानी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कश्मीर से पूजा मक्कड़, जी मीडिया प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।